नमस्कार, मैं हूँ पायल पवार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वोकल न्यूज शहडोल में। फिर गरमाया ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, क्या हुआ विधानसभा की कार्यवाही के दौरान? मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा दिन पर दिन गरमाया चला जा रहा है। वोकल न्यूज शहडोल ने पहले भी आपको इस खबर से अवगत कराया था कि हाल ही में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भोपाल स्थित निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। इसमें राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इसके मुताबिक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस इस मामले पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव देगी। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से होना था, लेकिन इसे 21 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होने का अशासकीय संकल्प लेकर आए। भाजपा और कांग्रेस ने एक साथ हाथ उठाकर संकल्प को सर्वसम्मति के पास कर दिया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने अपनी बात रखने के लिए समय मांगा, लेकिन समय नहीं मिलने पर कांग्रेस सदस्यों ने सदन की शेष कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। आइए आपको बताते हैं कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान क्या क्या हुआ। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सामान्य वर्ग, एससी एसटी वर्ग और ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ ही चुनाव कराना चाहते हैं। यही वजह है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। सीएम ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता है कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही हो। इसके बाद सीएम ने अशासकीय संकल्प विधानसभा में पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने महापाप किया है। रोटेशन के नाम पर आरक्षण का विरोध करने से पहले हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने चुनाव रोकने से इनकार कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाईकोर्ट भेजा, फिर भी चुनाव स्थगित नहीं हुए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए। कांग्रेस की कोशिश थी कि चुनाव ना हो और ओबीसी को आरक्षण का लाभ भी ना मिले। पहले नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सरकार ने सदन में विश्वास दिलाया था कि बगैर ओबीसी आरक्षण के प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। सरकार स्थिति स्पष्ट करे कि वह आखिर चाहती क्या है, सरकार ओबीसी आरक्षण पर क्या कदम उठाने जा रही है, कोर्ट कब जा रही है, क्या निर्णय ले रही है। इसके बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। अब आगे के लिए विधानसभा ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं कराने के संकल्प को सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। यह चुनाव प्रक्रिया को रोकने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। इसके माध्यम से बताया जाएगा सदन का यह स्पष्ट मत है कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ना हो। सुप्रीम कोर्ट में भी इसे सरकार बतौर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।